मध्य प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 5 मंत्रियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। कोरोना संकट के बीच मंत्री नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं कमल पटेल को कृषि और तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग दिया गया। इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और मीना सिंह को आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया गया। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक भी की और प्रदेश में चल रहे कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लॉकडाउन को देखते हुए सिर्फ जरूरी विभागों का बंटवारा किया गया है। कोविड-19 के संकट के बाद ही अब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे, तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे, कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे, गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे, मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। बताते चले कि बीजेपी की सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से ही वो राज्य में कोरोना के कारण उपजे हालातों से लगातार जूझ रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरकार ने पिछले हफ्ते से ही कवायद तेज कर दी थी।